हेलो दोस्तों, मैं हूं कुलजीत और सामने खड़ी है अपने पास हुंडई की वरना, जो कि 2024 का एकदम फेसलिफ्ट वेरिएंट है। तो इसमें क्या है ना, गाड़ी का पूरा लुक ही चेंज हो गया है। मतलब आगे आपको ये पूरा का पूरा कंक्रीट एलईडी लैंप देखने को मिल जा रहा है, जो कि DRL है, पहले आपको ये सब नहीं मिलता था। और साइड से भी गाड़ी लंबी हो गई है और शायद थोड़ी सी छोटी हो गई है। बात करें गाड़ी की लंबाई के बारे में, तो ये गाड़ी लगभग 4334 mm के आसपास लंबी है। और अगर इसके सामने की चौड़ाई की बात करें तो लगभग 1844 mm ये गाड़ी आपकी चौड़ी है। ठीक, बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। तो सबसे पहले जो आपको ये पूरा दिख रहा है ना, ये पूरा पूरा आपका LED DRL है, जो कि आपको जलते हुए बहुत ही अग्रेसिव प्रोवाइड करता है। गाड़ी ब्लैक कलर है और वाइट LED तो अलग ही बात है। ठीक, बात करते हैं गाड़ी के हेडलाइट के बारे में। तो आपको ये 3 point बिना पिलर का हेडलैम्प देखने को मिलता है, जो कि इसका थ्रो आपको बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त देखने को मिलता है। नीचे आपको देखने को मिलता है इंडिकेटर, जो कि इस साइड भी है और सेम आपको उस साइड भी देखने को मिल जाता है। उसके नीचे आपको गाड़ी में 4 point फ्रंट पार्किंग सेंसर देखने को मिलते हैं, जो कि अपने आप बहुत बड़ी बात है। ये 1, 2 इधर 3 और ये 4, मतलब गाड़ी में आपको 4 point फ्रंट सेंसर भी देखने को मिल जा रहे हैं। इधर ये एयर, मतलब गाड़ी के लुक को एनहांस करने के लिए ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है, जो कि मैट ब्लैक है और पूरा पूरा बम्पर तो पियानो ब्लैक ही होता है। स्पोर्ट लुक प्रोवाइड करने के लिए आपको बम्पर के नीचे आपको पर्स दिखेंगे ना, ये देखो, मतलब डेट वाली फीलिंग आती है। ठीक, तो और ये नंबर प्लेट लीजिएगा सामने हुंडई का लोगो। तो ये हो गया कुछ गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल का डिटेल। तो अब चलते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल में और बात करते हैं गाड़ी अपने से साइड से कैसी दिखती है। ठीक, तो लंबाई तो मैंने बता ही दिया कि लगभग 4334 mm की गाड़ी है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कहाँ पे गाड़ी के टायर साइज पे। तो इसमें आपको गुडरेक टायर मिलते हैं, जिसका साइज कितना है, 205/55R16। इसमें आपको 16 इंच के टायर देखने को मिलते हैं, जो कि अलॉय व्हील है, बढ़िया से डिज़ाइन। सामने आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है और पीछे की बात करें तो पीछे आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है। ठीक, और दोनों के व्हील बेस की बात करें तो लगभग 2700 mm का व्हील बेस आपको देखने को मिल जाता है और लगभग 170-180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं गाड़ी के साइड मिरर की। तो ये आपका टॉप एंड वेरिएंट है, तो इसमें आपको ये ऑटो फोल्ड हो जाता है, फोल्ड अनफोल्ड, और एडजस्ट भी अंदर से होता है। उसमें आपको दिखा देता हूँ, आपको फेंडर पेनिट्रेटर देखने को मिल जाएगा, जो कि टॉप मॉडल में नॉर्मल बात है। आगे आते हैं तो गाड़ी आपको कीलेस एंट्री है, तो आपको ये देखने को मिल जाएगा रिक्वेस्ट सेंसर। ठीक, और ये चाबी के लिए जगह, सिल्वर डोर हैंडल्स और सिल्वर का पूरा वर्क आपको वहाँ से लेकर के यहाँ तक में किया गया है। और ये जो है ना, ये आपका क्रोम वर्क है, क्रोम नहीं, ये भी सिल्वर ही है। ठीक, ये भी सिल्वर और ये भी सिल्वर, मतलब आप इस तरह से गाड़ी कुछ आपको इस तरह से देखने को मिल जाती है। तो अब आते हैं गाड़ी के रियर प्रोफाइल पे। तो रियर से गाड़ी अपनी कैसी दिखती है, भाई जगह थोड़ा कम है फिर भी मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा। मतलब ऊपर आपको देखने को मिलता है स्पॉयलर, फिर डिफॉगर, इसमें वाइपर की जरूरत है नहीं जैसे वेन्यू वगैरह पड़ता है, क्योंकि तो पूरा आपका स्लोप है तो पानी ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। उसके नीचे आएंगे आपको यहाँ पे स्टॉप लैंप देखने को मिल जाएगा। उसके नीचे आएंगे इधर हुंडई का लोगो, इधर वरना का पूरा लोगो, लेकिन हुंडई बाहर है और वरना आपके इसमें इसके अंदर लिखा हुआ है, जो कि मतलब एक बहुत ही यूनिक फीचर है। क्योंकि आप इधर वेन्यू में देखेंगे ना, ये देखिए, ये आपका हुंडई का लोगो और वेन्यू दोनों बाहर है, लेकिन इसमें आपका लोगो बाहर है लेकिन वरना अंदर लिखा हुआ है, जो कि एक बढ़िया लुक आ रहा है। जिस तरह मैंने आगे बताया कि DRL जलता है, इसमें का पीछे भी आपका ये वाला जो पूरा पॉइंट है ना, ये पूरा आपका कनेक्टेड LED पीछे का लैंप जलेगा, जो कि गाड़ी के लुक को इन्हेंस करता है। रात में आप दिखेंगे ना तो आपको अलग ही फील आएगा। ठीक, उसके बाद ये हो गया आपका रिवर्स पार्किंग लैंप और ये हो गया आपका इंडिकेटर लैंप। ठीक, ये आपका स्टॉप लैंप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 point आपका हो गया ये स्टॉप लैंप, मतलब ये ब्रेक वाला लैंप है। ठीक, उसके नीचे इधर आपको मिलता है रिवर्स पार्किंग कैमरा, उसके नीचे नंबर प्लेट के लिए जगह, ये इधर ये बूट खोलने के लिए जगह, 2 boot lamp वगैरह आपको नंबर प्लेट और लैंप देखने को मिल जाएगा। SX मॉडल है, SX की बैजिंग मिल जाएगी और साथ में आपको 1, 2, 3 और 4 point रिवर्स पार्किंग सेंसर, और नीचे आपका बढ़िया सा टेक्सचर में ये जो फिनिश दी हुई डिजाइनिंग वाली ना, ये भी गाड़ी के लुक को इन्हेंस कर रही है। नॉर्मली गाड़ियों में जो ये देखिए वेन्यू में सिल्वर में स्क्रिप्ट प्लेट है, लेकिन इसमें जो आपको स्क्रिप्ट प्लेट मिलता है ना, ये पियानो ब्लैक फिनिश में देखने को मिल जाता है। बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। ठीक, इसको यहाँ से खोला, ये इस तरह से खोला, और ये देखें सबसे अच्छी बात, आपका इसमें गत्ता लगा हुआ है। शायद बेस मॉडल में, लेकिन टॉप मॉडल में तो आपको पूरा ये गत्ता मिल जाता है, जो कि साउंड को भी कम करता है और मतलब बढ़िया चीज़ है। ठीक, बात करें गाड़ी की बूट स्पेस की। तो जिस तरह से गाड़ी लंबी है ना, तो बूट स्पेस तो बड़ा होना ही था, तो ये रहा पे सामने बहुत बड़ा सा बूट स्पेस, और फिर आपको देखने को मिल जाता है बूट लैंप, जो कि बहुत अच्छी बात है। नीचे इतना अच्छा, लगभग लगभग ये आपको 450 liter का बूट स्पेस आपको देखने को मिल जाएगा इधर, और इसके नीचे आपको हो जाएगा स्पेयर टायर के लिए जगह, जो कि ये रखा हुआ है।
और सबको पता है कि स्पेयर टायर जो होता है वो आपका रिम होता है और एक साइज छोटा होता है। ठीक, तो अब इसको करते हैं बंद, ये यहाँ से अटक जाएगा ताकि आगे पीछे ना हिले। तो ऐसा ऐसा इसका कुछ बोर्ड, इसको करते हैं बंद और आते हैं अब गाड़ी के इस साइड पे कि गाड़ी इस साइड में क्या है। बाकी सब कुछ सेम है, बस रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है और उसके बदले आपके यहाँ पे पेट्रोल टैंक का ढक्कन है। इसमें भी लगभग आपका 45-50 लीटर पेट्रोल आ सकता है। ठीक, और ये माइलेज वगैरह हम बताते हैं जब इंजन बताएंगे तब। तो ये हो गया इसका कुछ बाहर का हिसाब किताब। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं गाड़ी के अंदर अपने क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और खोलते हैं दरवाज़ा। तो अंदर जाने से पहले बात करेंगे हम लोग गाड़ी के दरवाजे के बारे में। तो इतना बड़ा सा आपको दरवाज़ा देखने को मिल जाता है और अच्छी खासी वाइड ओपनिंग भी देखने को मिल जाती है। दरवाजे की बात करें, दरवाज़ा आपको डुअल टोन में देखने को मिलता है, ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन, जो कि ये आपका हार्ड प्लास्टिक और ये आपका ये भी हार्ड प्लास्टिक है। ठीक, इसमें आपको दो बॉटल होल्डर कुछ सामान के लिए जगह यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये आपका स्पीकर हो गया, ये हो गया आपका इसका साइड मिरर को एडजस्ट करने के लिए, ये फोल्ड अनफोल्ड करने के लिए, और ये आपको इधर उधर करके इसको एडजस्ट करने के लिए लॉक अनलॉक। ये हो गया ऑटो डाउन, ऑटो अप ड्राइवर साइड, और बाकी आपके पावर विंडो कंट्रोल, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, हैंडल, डोर ओपनर और ये लॉक अनलॉक का बटन। ये ट्विटर हो गया आपका एक दो, गाड़ी में आपको दो ट्विटर और चार दरवाजों पर एक एक स्पीकर देखने को मिल जाते हैं। अंदर जाने से पहले एक चीज़ और, ये बात करें इसके सीट की, तो सीट आपकी मैनुअली एडजस्ट होगी, जो कि 8 वे ड्राइवर साइड की है और 6 वे पैसेंजर साइड की है। तो अब बढ़ते हैं गाड़ी के अंदर और बात करते हैं कि गाड़ी के अंदर अपने को क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो सीट को किया पहले पीछे, और ये देखो भाई, ये रहा कुछ इसका ऐसा डैशबोर्ड। हम बात करते हैं इसके अंदर के बारे में। तो डैशबोर्ड की बात करें, सबसे पहले आपको मिलता है दो पॉइंट वाला ये आपको स्टेयरिंग, नॉर्मली 3 होता है, इसमें आपको 2 ही पॉइंट देखने को मिलता है, जो कि एक अलग एक्सपेरिमेंट किया गया है। ठीक, ये जो इस पर बटन दिए हुए हैं, ये आपको इसको कंट्रोल करने के लिए दिए हुए हैं, और कुछ से आप नहीं सॉरी इसमें थोड़ा अलग है, इस वाले बटन से आपका ये वाला कंट्रोल होगा, जैसे कि आपका मेनू देखने के लिए गाड़ी कितना एवरेज दे रही है, कितना चली है, कितना फ्यूल बचा है, आवाज़ कम ज़्यादा करने के लिए, इसको ऊपर नीचे करने के लिए ऑप्शंस को, और बस क्रूज कंट्रोल के लिए। और जो ये वाला है, ये आपका म्यूजिक वाला है, म्यूजिक करने के लिए और वॉइस कमांड देने के लिए। ठीक, इधर आपको कुछ बटन देखने को मिलते हैं, ये आपका ट्रैक्शन कंट्रोल का, आइडियल स्टार्ट स्टॉप का बटन, और ये आपका उसका हेडलाइट का लेवल एडजस्ट करने के लिए, उसके नीचे फ्यूज बॉक्स, और इधर आपका आगे का बूट ओपन करने के लिए 3 पैडल्स, क्योंकि गाड़ी मैनुअल है। ये आपको 10.5 इंच के दो डिस्प्ले मिलते हैं, जो ये आपका स्पीडोमीटर का काम करेगा, और जो ये वाला है, ये आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम का काम करेगा। उसके नीचे एसी वेंट्स जो है ना, मतलब सभी के सभी को लगभग छुपा के ही प्लेस किया हुआ है, लेकिन मतलब बाहर उतना एक्सपोज नहीं हो रहा है, लेकिन लुक को भी इनहेंस कर दे रहा है। ठीक, उसके नीचे आपको ये एसी के, ऑटोमेटिक एसी है, तो कुछ एसी के ब्लोवर स्पीड वगैरह हो गया, टेम्परेचर का कंट्रोल वगैरह हो गया, उसको करने के लिए हो गया, और ये हो गया आपका डिफॉगर ऑन करने के लिए, और ये हो गया आपका हजार लैम्प ऑन ऑफ करने के लिए। उसके नीचे एक USB पोर्ट, एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, एक USB पोर्ट, और ये हो गया आपका वायरलेस चार्जिंग के लिए जगह, ये आपका सेंसर वाला बटन हो गया, और ये हो गया आपका जिसमें जो कैमरे दिए हुए हैं ना, तो आपको पार्किंग वाला कैमरा जो है, इसको दबाएंगे तो आपको यहाँ पीछे वाला दिखने लगेगा, अगर गाड़ी न्यूट्रल होगी फिर भी। ठीक, उसके पीछे मैनुअल गियर बॉक्स, जो कि 6 स्पीड फॉरवर्ड है और एक रिवर्स है। ठीक, उसके पीछे 2 कप होल्डर, इधर आपको देखने को मिल जाएगा आर्म रेस्ट, जो कि सॉफ्ट टच है, इसके अंदर आपको स्पेस देखने को मिल जाएगा, लेकिन हाँ अच्छा खासा सामान आप इसमें रख सकते हैं, मैनुअल हैंड ब्रेक भी। इधर की बात करें तो ये हो गया आपका ग्लव बॉक्स, जो कि कूल्ड है, और बाकी तो मिक्सचर है ये दोनों का, एक एयरबैग, 2, 4 और 6 गाड़ी में टोटल 6 एयरबैग देखने को मिलेंगे, 2 सामने डैशबोर्ड पे, 2 पिलर्स पे और 2 इस सीट्स पे। ठीक, तो अब क्या बचा इसमें, ये वाला तो अपना हिसाब क्लियर हो गया, अब आते हैं गाड़ी के ऊपर। तो ये हो गया आपका ऑटोमेटिक IRVM, जो कि अपने आप से उसको डे नाइट के अकॉर्डिंग स्विच कर लेगा। ठीक, उसके ऊपर माइक्रोफोन, अब बात करेंगे तो ये आपको 2 लैंप हो गया, जो कि दोनों LED हैं। ये हो गया सनरूफ का कंट्रोल, ये आपका सिंगल सनरूफ देखने को मिल जाएगा। बात करें इसके उसके सनवाइजर की, तो इसमें भी आपको वैनिटी मिरर देखने को मिल जाएगा, इसमें आपको कोई भी लैंप नहीं है। और इधर वाले की बात करें तो इधर वाला तो बिना, जैसे इसमें आपको सरकाने वाला है, तो इसमें सरकाने वाले, इसमें पूरा ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, लेकिन इसमें भी आपको लैंप देखने को नहीं मिलता है। तो ये हो गया कुछ अपना आगे का हिसाब किताब। अब हम लोग चलते हैं गाड़ी के पीछे, मतलब बीच वाले रो में,
और देखते हैं कि अपने को उसमें क्या क्या देखने को मिल तो अब जाता चलते है। हैं गाड़ी के सेकेंड रूम में और देखते हैं सेकेंड रूम में अपने को क्या क्या देखने को मिलता है। तो वैसे दरवाजे सेम टू सेम वही दरवाज़ा, पावर विंडो का कंट्रोल, लॉक अनलॉक के लिए, ओपन करने के लिए, ये आपका हार्ड हार्ड बॉटल होल्डर, स्पीकर और कुछ सामान के लिए जगह। और बैठते हैं गाड़ी के अंदर, तो जो ये वाली सीट है ना, मतलब ड्राइवर के अकॉर्डिंग लगभग सीट की हुई है, फिर भी गाड़ी लंबी है तो गाड़ी में नहीं रूम तो मिलना ही है, हेड रूम से के हिसाब से सही है। इधर आपको ये ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाएगा, उधर भी ग्रैब हैंडल, और पीछे आपको ड्राइवर वाली सीट में कोई पॉकेट नहीं है, लेकिन जो पैसेंजर साइड वाली सीट है उसमें आपको एक पॉकेट देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको टोटल जो ये हेड रेस्ट है ना, चार देखने को मिलेंगे और चारों के चारों आपके एडजस्टेबल हैं। ठीक, बात करते हैं इधर, तो ये है आपका दो एसी वेंट कुछ सामान के लिए जगह, और दो दो टाइप सी पोर्ट के लिए यहाँ पे आपको ये जगह दिया हुआ है। ठीक, जिसे अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं एकदम फास्ट स्पीड में। बात करें इधर, तो ये हो गया आपका आर्म रेस्ट, और इसमें पूरा वो है कि इसमें आपको दो कप होल्डर भी देखने को मिल जाएगा। ठीक, उसके पीछे आपको पार्सल ट्रे देखने को मिल जाएगी, इधर अपना छोटा मोटा सामान रख सकते हैं, नहीं तो उधर से लुढ़क के आगे ही आ जाएगा, आपका हल्का फुल्का सामान वहाँ पर आ सकता है। ये आपका हो गया हेड रेस्ट वगैरह, और बाकी तो एक लैंप आपको, मैंने दो लैंप आपको आगे दिखाया था, एक लैंप आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये हो गया कुछ इस गाड़ी के अंदर का हिसाब किताब। अब चलते हैं बाहर और बताते हैं आपको गाड़ी के इंजन के बारे में और इसकी प्राइजिंग के बारे में। बात करें इस गाड़ी के इंजन के बारे में, तो इस गाड़ी में वही 1.5 लीटर वाला पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है। तो जो नॉर्मल 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन है उसमें आपको 113 bhp और 170 या 80 nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। लेकिन जैसे कि टॉप मॉडल है 1.5 टर्बो पेट्रोल, तो इस गाड़ी में आपको 143 bhp की पावर और लगभग 258 nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। ठीक, तो इस पावर के साथ जो गाड़ी का एवरेज निकल के आता है ना, एवरेज लगभग आप मान के चलिए कि आपको ये गाड़ी 15 से 17 18 के बीच में एवरेज आपको ये गाड़ी दे देगी। ठीक, तो और प्राइसिंग की बात करें, शुरुआत इस गाड़ी की होती है लगभग 12 से 13 लाख से, और टॉप मॉडल इसका जो ये वाला वेरिएंट है अब लगभग 17 18 लाख के ऑन रोड सिंगरौली में पड़ जाता है। तो आपको ये गाड़ी कैसे दी कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट तो करना ही है क्या है कैसे है। मिलते हैं जल्दी हम लोग किसी और गाड़ी को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।